आप विशाल पाटिल इन हो चुके हैं मेरे टीम के अंदर, तो बिल्कुल मैच में आप मजा आएगा। ऋतिक मात्रे और दी विकेट, इस बार गेंद जा रही है डिब्बा स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद जाती हुई हल्के हाथों से गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया, गेंद गई वन बाउंस सीमा पार, चार रन। ये देखिए शानदार गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज को आगे रखा, रफ्तार से बीट किया, यहां पर बल्लेबाज भाग्यशाली रहे। इस बीच निश्चित रूप से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, यदि गेंद और बल्ले का कोई अंधूरा हिस्सा लेकर जाती, कोई संपर्क होता तो बिल्कुल विशाल को लौटना पड़ता। लेकिन विशाल के जिक्र दोस्तों, आज के दिन में विशाल मात्र अंतिम मैच में इस विकेट के ऊपर दाखिल हो चुके। गेंदबाजी के लिए ऋतिक तैयार, ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाई, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, नजाकत दिखाई, गेंद गई सीधा डीप गली सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। चार रन के मदद से विशाल पहुंच रहे आड़ पर। दोस्तों निश्चित रूप से हमने पहले कहा था कि चंदगेम वडवली क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी ताकत है विशाल पाटिल और जानमान वडवली क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की ताकत है प्रवीण पाटिल। तो ये मुकाबला बिल्कुल विशाल पाटिल विपक्ष प्रवीण पाटिल के बीच में सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा। दोस्तों मुकाबला जरूर वडवली चंदगेम वडवली क्रिकेट टीम विपक्ष जानमान वडवली क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है, लेकिन दोनों टीमों के पास ऐसे बल्लेबाज, एक तरफ वडवली क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं तो विशाल एक रन मशीन मानी जाती है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वल्लभ 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो प्रवीण पाटिल सबसे बड़ा होनहार खिलाड़ी माना जाता है, जिनके पास क्षमता है बिल्कुल बड़े स्ट्रोक खेलने की। और विशाल का जिक्र करना होगा, चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, अभी भी खेल रहे आड़ पर दो चौके की मदद से, तीन गेंदों का सामना किया है। एक बार फिर से ऋतिक गेंदबाजी के लिए तैयार, ऋतिक मात्र एक लंबे कद के गेंदबाज है, इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम स्वर्ण अक्षर में बिल्कुल अपना नाम इस वीक बिल्कुल प्रतियोगिता के ऊपर स्वर्ण अक्षर में, किंजल ट्रॉफी के ऊपर स्वर्ण अक्षर में लिखेगी, और यह सौभाग्य यह भाग्य किसी टीम के पक्ष में यो तो आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित रूप से ऋतिक गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, बिल्कुल छोर बदलते हुए, पहले और दी विकेट मारा कर रहे थे, अब यहां पर राउंड विकेट निश्चित रूप से मारा करते हुए। ये देखिए ग्लांस किया, नजाकत दिखाने की जरूर कोशिश की थी, गेंद गई शॉट लेके क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे, एक रन चुरा लिया इस एक रन के मदद से। यहां पर चंदगेम वडवली क्रिकेट टीम की रन संख्या धीरे धीरे अग्रसर होती हुई, बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 9, निश्चित रूप से विशाल पाटिल खेल रहे हैं 9 पर, चार गेंदों का सामना किया है, दो चौके दागे है, तो निश्चित रूप से ऋतिक एक बार फिर से लंबे कद के गेंदबाज है, ऋतिक गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे ऋतिक पाटिल, बिल्कुल मैच में मजा आएगा। दोनों टीमें ताकत, दो टीमें हैं बिल्कुल, दोनों टीमें पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों टीमें जीतना चाहेगी, लेकिन एक जीतेगी एक हारेगी, एक प्रथम विजेता बनेगी तो दूसरी रनर अप बनेगी। तो गेंदबाजी के लिए निश्चित रूप से एक बार फिर से तैयार है ऋतिक महात्रे, ऋतिक पाटिल के लिए आक्रामक बल्लेबाज है ऋतिक, आज के दिन में काफी दमदार बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। यह गेंद हवा में बैकफुट पर गया, जगह बनाई और इस बार सीधा गेंद को फेंक दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, यह हमारे संडी पालकर की अनोखी अदा, गेंद सीमा पार, 6 रन। थैंक्स डीजे मास्टर, छक्के के साथ यहां पर चंदगेम वडवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 15। स्टेज द्वारा तत्पात मित्रों खरे अर्थाने जानमान वल्लभ क्रिकेट संघाला नेहमी सपोर्ट करणारे एक दमदार व्यक्तिमत्व माजी सरपंच आणि विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सन्माननीय भोलाशेठ पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, मनापूर्वक आपलं स्वागत आहे।
ये देखिए इस बार गेंदबाज में मिड विकेट रीजन में मैंने पहले कहा था कि ये बल्लेबाज के पास क्षमता है और उन्होंने साबित करके दिखाया। गेंद बिल्कुल तीसरे अंपायर बिल्कुल चौका या छक्का बिल्कुल हमारी कमेटी है 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से बिल्कुल निश्चित रूप से फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। ऋतिक के बारे में हमने पहले कहा था कि आज विशाल नहीं थे, विशाल की बिल्कुल भूमिका निभाई ऋतिक ने, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यहाँ पर विनय गावन ने क्या आज परफॉर्मेंस किया है, अमन ने क्या परफॉर्मेंस किया है निश्चित रूप से, लेकिन प्रवीण के बल्ला आज आग नहीं उगल रहे, लेकिन अंतिम मैच में बिल्कुल इंतजार है, इंतजार करेगी बिल्कुल उनके सभी समर्थक कि प्रवीण अच्छी लंबी पारी खेले। ओवर की समाप्ति हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है, यानी कि बगैर कोई विकेट के नुकसान पे निश्चित रूप से 19। डीजे मास्टर मैडी और प्रवीण गायकर के पास चलते हैं। टीम के कप्तान सैनमान वल्लभ क्रिकेट टीम के कप्तान विनय गावन गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे यहां पर विशाल पाटिल। विनय गावन आज जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है विनय गावन ने गेंदबाजी या बल्लेबाजी के माध्यम से। ये देखिए रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से बीट किया लगातार मेरे साथ, पहले ओवर में भी ऋतिक मात्रे ने बीट किया था विशाल जैसे आक्रामक बल्लेबाज को, और यहां पर भी बीट किया, रफ्तार से बीट किया, गेंद के साथ थोड़ी ऑफ्टम से बाहर जा रही थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद जरूर गेंद में उछाल था अंदर की तरफ आई और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। भाग्य से ले रहे बल्लेबाज विशाल पाटिल। ये देखिए इस बार ऑफ्टम से काफी बाहर गई गेंद, अंपायर द्वारकानाथ स्वर्गीय सर मैन फ्रॉम बेलवली यहां पर इशारा करते हुए कि गेंद काफी ऑफ्टम से काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हुई, इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से टीम की रन संख्या बनी निश्चित रूप से चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम की, यानी कि बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 20। शुरुआत काफी यहाँ पर दमदार हो चुकी है और वल्लभ क्रिकेट टीम है, दोनों टीमों की बल्लेबाजी की बात करें काफी स्ट्रांग लाइन है। ये देखिए इस बार गेंद जा रही है शॉर्ट लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, मिस्टानी खराब बिल्डिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए, दो रन मिले, दो रन मुकम्मल होते हुए और इसी दो रन के मदद से यहां पर चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे छलांग लगाती हुई निश्चित रूप से बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 22। दोनों बल्लेबाजों की बात करें विशाल पाटिल और ऋतिक पाटिल, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में बिल्कुल यानी कि पहले विकेट के लिए शानदार यानी कि 22 रनों की साझेदारी। विनय गावन गेंदबाजी के लिए तैयार है विशाल के लिए। ये देखिए विनय गावन कमाल की गेंद फेंकी, बिल्कुल रफ्तार वाली गेंद थी, थोड़ी बल्लेबाज को आगे रखा था, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से विनय गावन जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं ना, लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख रहे हैं, बल्लेबाज के कमी को परख कर नियंत्रण रख रहे हैं, बिल्कुल गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज का स्ट्रांग या वीक जोन क्या है उसे फोकस करते हुए गेंदबाजी हो रही है। ये गेंद हवा में जरूर है डाउन द फील्डर और ये मौका बना, और इसी के साथ बिग विकेट विशाल पाटिल बैक टू द पवेलियन। थैंक्स सर डीजे मास्टर। इसी के साथ विशाल के पारी का अंत। हर्षद भैया बिल्कुल भुईर चिंतपाड़ा के हमारे साथी स्कोरर है, हमें जानकारी दे रहे कि विशाल पाटिल ने जरूर अपने पारी में दो चौके दागे लेकिन 11 रनों का योगदान दिया, यानी कि 9 गेंदों का सामना किया, दो चौके दागे लेकिन 9 गेंदों का सामना किया। मेरे हिसाब से शुरू में लग रहा था कि लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा था कि विनय गावन के पास क्षमता है, नजाकत भरी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करके इस विकेट के ऊपर किस तरह यहाँ पर मदद मिलती है
उसका ज्वलंत उदाहरण विनय गावन के माध्यम से हम देख रहे हैं। नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं कप्तान कमलेश यानी कि कावा, कमलेश का भी जिक्र करना होगा दोस्तों। ये कुल कप्तान है, निश्चित रूप से काफी अच्छे कप्तान है, अच्छे खिलाड़ी है, संयमी स्वभाव के व्यक्तिमत्व। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार गेंदबाजी, नजाकत भरी हुई गेंदबाजी। ये गेंद देखिए थोड़ी पहले, इससे पहले गेंद फेंकी थी, काफी रफ्तार वाली गेंद थी, तेज तरार गेंद थी, आगे निकाल कर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन ये गेंद बिल्कुल धीमी रखी थी, बल्लेबाज को आगे यहां पर रखा था और गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, सीधा विकेट कीपर अमन के पास, एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अभी भी रुका हुआ स्कोर है चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम का, यानी कि एक विकेट के नुकसान पे 22। ये गेंद हवा में जरूर और ये गेंद को सीधा फेंक दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी के छक्के के साथ टीम के रन संख्या बनी निश्चित रूप से चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम की, एक विकेट के नुकसान पे 28 ओवर की समाप्ति हुई। दो ओवर की समाप्ति के बाद चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम के कुल मिलाकर रन संख्या बनी एक विकेट के नुकसान पे 28। यदि ऋतिक मात्रे के जनमान वल्लभ क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो ऋतिक मात्रे ने पहली ओवर फेंकी थी, 19 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अमय या विनय गावड़ ने क्या दमदार गेंदबाजी की, 9 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया। दो ओवर की समाप्ति हुई, दो ओवर की समाप्ति के बाद चंदी गेम वडवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट के नुकसान पे 28। अंतिम दो ओवर्स बचे हैं और दो ओवर्स का आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कमेंटेटर और हमारे गुरु मानने वाले वैभव भोपी के पास चलते। हेलो, थैंक यू सो मच महागुरु। मैदान मध्ये अपन लक्ष केंद्रित करूया, अतिशय चांगला रोमहर्षक सामना, अपन या स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आलोत, अतिशय रोमहर्षक सामना आहे दोन्ही संघ विजयासाठी। कोण बनणार या स्पर्धेमधील चॅम्पियन, कोण गाजवणार या स्पर्धेचं सुवर्ण अक्षरमध्ये नाव कोण कोरणार, यासाठी चाललेली झुंज मैदानामध्ये दोन बालाडे संघामध्ये। एका बाजूला चेंज द गेम वडवली संघ तर दुसऱ्या बाजूला आपण वल्लभ संघाला पाहतोय। जयमान वल्लभ संघ आपण पाहताय जिथे प्रथम ज्यांच्या वाटेला क्षेत्ररक्षण आलंय, फलंदाजी करत असताना चेंज द गेम वडवली संघानं अद्यापर्यंत 2 षटकांमध्ये धावा कुठल्यात त्या सद्यस्थितीमध्ये जवळपास 28 धावा, चांगली सरासरी आहे, चांगला रन रेट आहे। मी म्हणेन फलंदाजीतून अतिशय चांगली कामगिरी सद्यस्थितीमध्ये त्यांच्या माध्यमातून झाली आहे। नवीन गोलंदाज गोलंदाजच्या मार्कवर प्रवीण पाटील, कमलेश होते समोर, रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय आणि अतिशय देखणा फटका अगदी बॅटच्या मधोमध छोटी सीवारे शुपलीकडे षटकार। षटकारांना मात्र आणखी धावांना इथे धावगती मिळते। काय फलंदाजी करतायत मैदानामध्ये कमलेश पाटील, स्टेप आउट होऊन या ठिकाणी निघाले, गॅप सिलेक्शन केलं, क्षेत्ररक्षकानं प्रयत्न केला, त्याच्या आवक्त्याच्या बाहेर हा देखील दणदणीत चौकार। सामना आहे, मी म्हणेन प्रदिती वल्लभ संघाच्या गोलंदाजांना वेळीच विचार करावा लागेल, धावांची लयलूट या ओव्हर मध्ये आता मात्र केली जाते। पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा ऋतिक आले होते 19 धावा त्या ओव्हर मध्ये आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये विनयने चांगली गोलंदाजी केली, 9 धावा फक्त त्या ओव्हर मध्ये आल्या आहेत, तर या षटकामध्ये पहिल्या 2 चेंडूवर 10 धावा आल्यात। गोलंदाज तयार असतील या ठिकाणी प्रवीण पाटील, कमलेशसाठी हा बॉल बॅटर रडार मध्ये पुरेसा आला नाही आहे, चेंडू घरंगडत चाललाय स्क्वेअर लेग कडे, क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे तैनात आहेत आणि ज्या क्षणाला चेंडू उचलते फेकतील त्याच दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून गुड रनिंग बिटवीन द विकेट 2 धावा या बॉलवर तुम्हाला पाहायला देखील मिळत आहेत। चांगलं क्रिकेट कमलेशचा जर विचार केला मागील मॅच मध्ये, आज सकाळपासून 2 मॅचेस
ही टीम खेळली आणि ज्यामध्ये तो ओपनिंग ब्लास्टरची भूमिका बजावत होता, परंतु या महत्त्वपूर्ण मॅच मध्ये त्यांनी वन डाऊनची भूमिका साकारली आणि संघाला तर मात्र चांगल्या रीतीने कार्य ते करून देते आहे. सुरुवात करून दिली होती विशालला, नऊ चेंडूमध्ये अकरा धावांचं योगदान दिलं. ऋतिकनं अद्यापर्यंत ऋतिक पाटीलला वैयक्तिक सामना केला चार चेंडूंचा आणि सोळा धावांचं योगदान त्याच्या माध्यमातून आपल्या टीमसाठी देखील राहिलंय. हा चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, लेग स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षण खराब. या बॉक्स चेंडूवर देखील चेंडू जाईल शाणाला, सीमा रेषेपलीकडे चौकार. या संघाला आता मात्र एक चांगला आकार आपण पाहतोय, एक चांगली धाव संख्या इथे जमवण्याचा प्रयत्न होतोय आणि त्यांना यश देखील अद्यापर्यंत मिळालंय. लोवर फुलटॉस बॉल इथे अपील झाले लाऊडली आणि पंसस सांगतायत होय, अगदी मिडा स्टंपवर उभे होते कमलेश आणि एल बी डब्ल्यू दुसरा फलंदाज गमावतोय. चेंज द गेम वडवरी संघ. तुझा मानाचा मान घेऊन येतात बोर्ड, लॉट्स ऑफ टू विकेट्स ऑन बोर्ड वर धावा तुम्हाला पाहायला मिळते. त्या सद्यस्थितीमध्ये 44 धावा. ही मॅच मात्र आपण मेगा फायनलची मॅच पाहतोय, चार षटकांचा सामना हा देखील आहे आणि इथून एक मोठ्या टार्गेटकडे लक्ष केंद्रित करत असताना चेंज द गेम वडवली संघ अतिशय चांगली फलंदाजी या पहिल्या सत्रामध्ये करत असताना प्रवीण पाटील यांना मिळालेली सफलता आपण पाहू शकाल, परंतु या ओव्हरमध्ये ती थोडीसे मागणे देखील ठरलेत. अद्यापर्यंत 16 धावा या ओव्हरमध्ये त्यांनी खर्च केल्यात. लोवर फुलटॉस बॉल फुल लाईन वर हा देखील चेंडू होता, मिड विकेट कडे चेंडू चाललाय. क्षेत्ररक्षक वेगानं बॉल वर, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन धावा वेगानं इथे मात्र पूर्ण होत आहेत. दोन धावे निश्चित संघाच्या वार्त समीकरण आपण पाहू शकाल. सद्यस्थितीमध्ये ऑन बोर्ड वर धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या 46 धावा. आपण जर विचार केला तर खेळाचा पूर्वार्ध आपण एन्जॉय करतो. मेगा फायनल आणि मेगा फिनाले मैदानामध्ये सुरू आहे आणि स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आले आहेत. अंतिम जे दोन संघ या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन होण्यासाठी चाललेले त्यांची तलमेल आणि त्यांची धावपळ तुम्हाला पाहायला मिळतं. जिथे प्रमुख तीन गोलंदाज वापरले गेले अद्यापर्यंत जयनमन वल्लभ संघाकडून. पहिल्या षटकामध्ये ऋतिकनं खर्च केले होते 19 धावा, तदनंतर विनयनं कमबॅक केलं होतं, त्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त धावा खर्च केले होते 9. तर या षटकामध्ये प्रवीण पाटीलनं जवळपास धावा खर्च केले होते 18, अशा टोटल 46 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यानं ऑन बोर्डवर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. अंतिम षटक मैदानामध्ये सुरू असेल. या स्लोगरच्या षटकामध्ये किती धावा जमवण्यामध्ये यश मिळेल फलंदाजी करणाऱ्या चेंज द गेम वडवली बी संघाला, का या षटकामध्ये गोलंदाज पुन्हा एकदा कमबॅक करून देतील का, अगोदर धावांचं खर्चीकरण थोडं जास्त झालंय आणि या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये भलं मोठं टार्गेट जर असला तर उत्तरामध्ये कदाचित आपल्या फलंदाजावर प्रेशर देखील असेल आणि ते प्रेशरपासून दूर ठेवायचं असेल तर हे षटक चांगलं फेकणं तेवढं जास्त इम्पॉर्टंट असेल. पहिल्याच बॉलवर कट शॉट अगदी गॅप मधून, सेकंड स्लिप मधून चेंडू वेगाला फरार होत आहे. थर्ड बॅट मध्ये हा चौकार. इथे मात्र सांघिक अर्धशतक कंप्लीट, चेंज द गेम वडवली संघाचा. गुड बॅटिंग, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता इथे फलंदाजाचा, मात्र बॅट वर चेंडू पुरेसा आला नाही आहे.
इथे एक धाव वेगाने अगदी नजरेसमोरून चोरून घेतली, पण इशारा करते लेग्स बायच्या स्वरूपानं, हे एक्स्ट्रा स्वरूपानं सांगी कोट्यामध्ये ही धाव मात्र जोडली जाईल. संघाची धावसंख्या तुम्हाला सद्यस्थितीमध्ये पाहायला मिळते 51 लॉट्स ऑफ टू विकेट्स, 51 धावांपर्यंत अद्यापर्यंत मजर मारली या वडवली संघाने. काय बॅटिंग परफॉर्मन्स, अतिशय चांगली धुवादार फलंदाजी. हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका तर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे, दुसरीसाठी निघालेत आणि दुसरीचा प्रयत्न झालाच, परंतु तोपर्यंत चांगला थ्रो इथे पाहायला मिळाला आणि इथे एकच रन या बॉलवर तुम्हाला पाहायला मिळते. एका धावेनिशी संघ मात्र पुढे सरकेल, चेंज द गेम. वडवली बी संघाची सद्यस्थितीमध्ये धावसंख्या हळूहळू मात्र पुढे जातोय, 52 धावा सद्यस्थितीमध्ये. मेगा फायनलचा सामना आहे, सामना खूप हाय वोल्टेज, नक्कीच हाय वोल्टेज होणार यात तील मात्र शंकाच नाही आहे. परंतु इथे अगदी समोरून चकमा दिलाय गोलंदाजाची, जादुई गोलंदाजी आणि गोल्डन बॉल या ठिकाणी म्हणावा लागेल, कारण की ओव्हरपेस लाईन वरील हा बॉल होता, फलंदाजाच्या रडार मध्ये होता, परंतु अंतिम लास्ट मुमेंटला ज्या बॉल वर आपल्या बोटांची जादू फिरली होती आणि ते थोडस स्विंगिंग बॉल देखील तुम्हाला पाहायला मिळाला. डॉट बॉल इथे आलाय, अंतिम टप्प्यामधील शेवटचे दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल या पूर्वार्धामधील आणि संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते 52. समोरच्या दिशेनं अगदी सरळ लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय, खूप मोठी हाईट आहे आणि हायटेडचा फायदा ते उचलत आहेत आणि या क्षेत्ररक्षणातून मी म्हणेन चांगली इथे तुम्हाला पाहायला मिळालं. किमान आपले या संघासाठी 2 धावा जरूर वाचवल्या, हाईटचा फायदा उचलत असताना चांगलं क्षेत्रक्ष तुम्हाला तिथे पाहायला मिळालं. या 2 धावांनिशी वडवली संघ मात्र पुढे जाऊन पोहोचतोय 54 धावा. अंतिम चेंडू खेळाचा पूर्वार्ध, 54 धावा धावसंख्या फलकावर पाहायला मिळतंय. कोणता आकडा येईल या बॉलवर, अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक आले तिथे विनय, चेंडू उचलला फेकणार, एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव देखील वेगाने पूर्ण होते, तिसरीचा प्रयत्न इथे झाला आणि तिसरीच्या प्रयत्नानं फलंदाज मात्र इथे बाद होते. खेळाचा पूर्वार्ध आपण एन्जॉय केला, मेगा फायनलची मॅच आणि मेगा फायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करणारा चेंज द गेम वडवली संघानं धावसंख्या जमवली 4 षटकांमध्ये, ती 56 आणि 57 धावांचं एक मोठं टार्गेट जयनमान वल्लभ संघासमोर. तो उत्तरार्धामध्ये हे आव्हान कशा रीतीने चेस केलं जाईल, आपण रॉकस्टार समालोचक प्रवीण गायकर तुमच्यापर्यंत नक्कीच येतील, परंतु मी आभार व्यक्त करेन जयनमान क्रिकेट संघ पाली, आमचे सन्माननीय चिंतामणी शेके, अतिशय चांगली कामगिरी आपण त्यांच्या माध्यमातून गेल्या 6 वर्षामध्ये ते या टुर्नामेंटचं आयोजन करतायत आणि प्रत्येक वर्षी दरवर्षीप्रमाणे त्याने आम्हाला समालोचन करण्याची संधी दिली, याबद्दल आम्ही आपला आभार व्यक्त करतो. मी मात्र आज इथे थांबतोय, परंतु आपण नक्कीच जोडले राहा मेगा फायनल आणि या ऐकूया उत्तरार्धामध्ये प्रवीण गायकर यांना. तत्पूर्वी एक चांगलं सुमधुर संगीत ऐकण्यासाठी डीजे मॅडी. तर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय राजेशजी घरत साहेब जे या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या मुख्य मान्यवर म्हणून, त्यांना मी विनंती करेन की त्यांनी आपल्या या स्पर्धेबद्दल मनोगत व्यक्त करावं. आपण या राजेशजी घरत साहेब आणि आमचे आयोजकांनी आपल्याला इथे नक्कीच विनंती केल्या, तर राजेशजी घरत यांचं आपण मनोगत नक्कीच ते व्यक्त करतील. थँक्यू. खूप चांगलं असं आयोजन केलेलं आहे,
चिंतामणी शेळके यांनी आणि चिंतामणी शेळके यांनी याच्या अगोदर सुद्धा किंजल ट्रॉफीचं आयोजन केलं होते पण त्याच्यावरती खूप मोठे असे संकट आले. त्या संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद त्याच्याजवळ आहे आणि मी देवाकडे अशी प्रार्थना करतो की सदैव त्याच्यावरती संकट येतील त्यांना संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद येऊ देत. आणि मी खेळाडूंना अशी विनंती करतो की राजकीय क्षेत्रातल्या लोकांना जर सर दादा काय तुम्ही म्हणत असतील तर असे आयोजन करत असतील त्यांच्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करा आणि त्यांना जास्तीत जास्त आयुष्य लाभू दे कारण तुमचा खेळ आणि तुम्ही काय खेळता हा दाखवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. थँक्यू. मला बोलण्याचे इथे दोन शब्द बोलण्याला चान्स दिले त्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू कंटिन्यू. आपण नक्कीच उत्तरार्धामध्ये बोलणार आहोत आणि या ऐकूया आपण प्रवीणजी गायकर रॉकस्टार यांना उत्तरार्धामध्ये. थँक्यू वैभव. बिलकुल मेगा फिनाले किंजल ट्रॉफी 2021 सुरेश बुआ स्मृति अशोक का ये आखिरी दिन और आखिरी मैच यहाँ पर चलता हुआ मेगा फिनाले सिक्का उछला वल्लभ टीम के पक्ष में. पहले फील्डिंग करते वक्त बहुत सारी धुलाई हुई उनके गेंदबाजों की और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए टोटल 6 से गेम वडोली टीम ने 57 रनों का टारगेट इन 24 गेंदों में यहाँ पर बनाने हैं. तो 57 रनों का टारगेट जरूर है टारगेट का पीछा करने के लिए. सलामी जोड़ी इस वक्त आती हुई इस वक्त प्रवीण पाटिल और विनय गावन जिस तरीके से पिछले साल का इतिहास है इस टीम का चैंपियन बनी थी और वो इतिहास फिर से एक बार लगातार बरकरार रहेगी. क्या इस बार भी चैंपियन बनने का सपना साकार करेगी जिस गोरसई टीम को परास्त किया था चेंज द गेम वडोली टीम ने मात्र उनके सामने अब 57 रन बचाने हैं इनके गेंदबाजों को और वो 57 रन बचाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कमलेश उर्फ काबा गेंदबाजी के मार्ग पर लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है और उनके सामने उतने ही घातक बल्लेबाज निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं विनय गावन. लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट आर्म की लड़ाई हालांकि पिछले मुकाबले में शायद विशाल मौजूद नहीं थे लेकिन इस बार बिल्कुल वो वहां पर मौजूद है टीम में और क्या चलिए टीम के जब सेनापति रहते हैं तो मैच में मजा आता है और टीम पूरी उम्मीद के साथ अपना परफॉर्मेंस जरूर देती है. यहां पर देखेंगे पावर प्ले का ओवर होगा इस वक्त गेंदबाजी के लिए कमलेश उर्फ कावा गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और यहां से आखिरी मुकाबला मेगा फिनाले कौन होगा चैंपियन बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द सीरीज जहां से ये स्पोर्ट्स बाइसिकल आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट था मैन ऑफ द सीरीज के लिए और आप देख सकते हैं साइकिल सीरीज के लिए. पहली गेंद यहां पर लिटिल एज हल्का सा किनारा लगा और यहां पर पहली सफलता मिलती हुई कमलेश उर्फ कावा को. थैंक यू मैडी. बिल्कुल यहां पर पहला विकेट पहली गेंद के ऊपर यहां पर चलता बना दिया विनय गावन बैक टू द पेविलियन बगर खाता खोले इस वक्त मैदान से बाहर लौटते हुए. बहुत दबाव है इस वक्त बात करेंगे तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी रही है पूरे श्रृंखला में इस वक्त चेंज द गेम वडोली टीम की गेंदबाजों की ओर से और उसी का प्रात्यक्षिक दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंड बैट्समैन विनय को चलता बना दिया और यहां पर दिखा रहे कि यहां पर जो आप पिछले साल चैंपियन बनी थी इस बार मात्र हम आपको आगे नहीं जाने देंगे. लेकिन क्रिकेट है मैच अभी भी बैलेंस है हालांकि 57 का टारगेट जरूर है लेकिन यहां पर पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई गेंदबाज कमलेश उर्फ कावा ने. फिर से एक बार तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाज में आते हुए अमन पाटिल टैप करने की कोशिश फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन सीधा गेंद जाती विकेटों के ऊपर टकराई. यहां पर तब तक एक रन बल्लेबाजों ने पूरा किया और इसी एक रनों की मदद से बैट्समैन अमन ने अपना खाता खोला और जयनुमान वल्लभ टीम का स्कोर मात्र यहां से खाता खुलता हुआ एक रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर. शांत स्वभाव से यह क्रिकेट शाम के सत्र में खेली जा रही है काल भैरव मैदान चिंसपाड़ा. खास करके थैंक्स देंगे हम चिंसपाड़ा ग्रामस्थ मंडल को जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्रिय होने के लिए काफी सारी मदद की. उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन सभी को गुजारिश करते हैं कि आइए मंच पर ग्रामस्थ मंडल
खास करके चिंसपाड़ा पाली के जो भी होंगे उन सभी से हम गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो टीम का टोटल स्कोर है सिर्फ और सिर्फ एक रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रवीण पाटिल के ऊपर उम्मीद जताई जाएगी, लेकिन इस साल इनका बल्ला इतना भी नहीं चला है जिसकी टीम को तलाश है इनके बल्लेबाजी की। क्या ये फाइनल के मुकाबले में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर पाएंगे? विकेट गवाया है जरूर शुरुआती ओवर में, और उसी ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और भी प्रेशर रिलीज करने की कोशिश कमलेश बिल्कुल यहां पर बल्लेबाजों के ऊपर कर सकते हैं। तेज तर्रार गेंद फेंकी थी जरूर, प्रवीण पाटिल यहां पर बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। 57 का टारगेट है, अगर यहां से कमलेश का ओवर पहले ही पावर प्ले में अगर कम रनों का बनता है तो मैं कहूंगा शायद कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत दूर होता जाएगा जय हनुमान 11 वाला टीम के लिए। प्रवीण पाटिल का तैयार होते हुए, ये भी सुपर हिट के मुकाबले मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से यहां पर मुकाबला जीता। क्या गेंदबाजी चल रही है, लगातार प्रवीण को यहां पर डॉट गेंदे फेंकने की कोशिश यहां पर करते हुए, और जहां से यहां पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश जरूर थी लेकिन नाकामयाबी आती हुई तब तक डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर मात्र यहां पर अभी भी रुका हुआ सिर्फ और सिर्फ एक रन। स्लो ओवर किया था, इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र मात्र खाली है और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रन। यहां से 4 रनों की मदद से इंपॉर्टेंट चौका यहां पर प्रवीण के बल्ले से, और इन 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो 5 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की गेंदबाज कमलेश, फुल टॉस फिर से एक बार स्ट्रोक अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑफ में फील्डर इस बार मौजूद है। तब तक यहां पर एक ही रन बल्लेबाज पूरे करते हुए और इसी एक रनों की मदद से पहला पावर प्ले यहां पर कमलेश फकावा का समाप्त हो चुका है एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 रन जहानुमान 11 वाला टीम। शिव जयंती एक संगेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो भारतातील काही लोकांना 1000 व 2000 च्या नोटेवर हवे होते, पण एक कवी कवितेतून काय म्हणतो ते पहा। नको शिवराय नोटेवर, नको शिवराय आम्हा नोटेवर, विकला जाईल तो वाटेवर। आहेत समाजात काही दरिंदे, नाहीत ते कुठलेच परिंदे, घेऊन जातील शिवराय दारूच्या अड्ड्यावर, लावतील त्यालाही सट्ट्यावर। म्हणतील शिवराय घ्या आणि दारू द्या, होतील ते पिऊन तराट, माजवतील कल्लोल घरात। नाचणारीवर जाईल पैसा उदलला, नाचता नाचता तोही जाईल तुडवला। फोफावला आहे भ्रष्टाचार, नाही उरलेला शिष्टाचार। भाताच्या ताटी जाईल थोपवला, गणिकांच्या हाती जाईल शिवराय सोपवला। खाटिकाच्या दुकानात जातील घेऊन त्याला, मंदिरात येतील देवासमोर ठेवून त्याला। अरे नाही विकणाऱ्या मधला तो, नाही मांडायचा आम्हाला त्याचा शो। फाटून जाईल हृदय आमचं, पण नाही ऐकणार आम्ही तुमचं। राहू द्या तुमचं गांधीच लुटेवर, शिवराय आमचे शोकात। क्या बात है मैडी, आने वाली 19 फरवरी को शिव जयंती का महाजल्लोष आप देख सकते हैं। तो यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, हालांकि गेंदबाजी के लिए ऋतिक पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर 18 गेंदों में आप 51 रनों की जरूरत है, 17 रन प्रति ओवर की जरूरत है इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम जहानुमान 11 वाला टीम को। प्रवीण पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए, छोटी गेंद थी बढ़िया स्ट्रोक डीप पॉइंट में, फील्डर यहां पर दौड़ते हुए। तब तक बल्लेबाज दूसरे की कोशिश, गुड रन बिटवीन द विकेट। तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुरा लिए और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। जीतने के लिए 17 गेंदें बची है, अभी भी 49 रनों की दूरी। क्या पता आने वाले 3 ओवर जो बचे हैं उन 3 ओवरों में अगर ये लक्ष्य पार करने में जहानुमान 11 वल्लभ अगर सक्षमता दिखाती है तो फिर से एक बार उनका सपना बिल्कुल साकार हो सकता है कि जिस तरीके से पिछले साल चैंपियन बनी थी। यहां पर कोशिश तो वही है लेकिन गेंदबाज इतनी आसानी से आपको मौका नहीं देंगे। ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की कोशिश जरूर की थी, विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, इसका फायदा शायद कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये लीजिए व्हाइट बॉल, एक और रन एक्स्ट्रा मिलेगी, 1+1 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 47 रनों की दूरी, 47 रन चाहिए 17 गेंदों के ऊपर। और जिस तरीके से रायगढ़ विपक्ष ठाणे मैच जरूर है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग का आज रन संग्राम आप देख सकते हैं। और यहां पर आज पहले मैच एग्जीबिशन रायगढ़ वर्सेस ठाणे के बीच में लगभग 67 रनों का टारगेट कुछ है ठाणे टीम के सामने, और बड़े बढ़िया क्रिकेट आप वहां पर यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी 1500 दर्शक जो हमारे साथ छूट चुके हैं इस किंजल ट्रॉफी मेगा फिनाले में, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 17 गेंदें बची है, 47 रनों की जरूरत। प्रवीण पाटिल और उनका साथ देते हुए अमन पाटिल
ये जोड़ी मैदान में है, हालांकि पहला विकेट जल्दी लौटा है बिना खाता खोले। इस वक्त बात करेंगे विनय गावन, जिन्होंने अब तक टीम के लिए कोई रन नहीं बनाए। फाइनल के मुकाबले खास करके रन आने चाहिए थे, वो रन मात्र इन्होंने बनाए नहीं है। गेंदबाज तैयार रुदिक पाटिल ओवर द विकेट से, शॉट बढ़िया है, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से साइड सीन से मारे का बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन। से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल हम बात करेंगे 16 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 16 गेंदे हैं और 41 रनों की दूरी इस मैच को जीतने के लिए। क्या जबरदस्त फाइट अमन यहां पर देते हुए, शॉट बढ़िया है लेकिन मिस टाइमिंग, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज अमन के पारी का अंत होता हुआ। बिल्कुल आने वाली 15 गेंदे बची है, 41 रनों की दूरी इस मैच को जीतने के लिए। दिल्ली बहुत अब दूर है, लेकिन ऐसे हालातों में यहाँ इंपॉर्टेंट विकेट रुदिक पाटिल ने लिया और बल्लेबाज अमन पाटिल आखिरकार पैवेलियन की तरफ लौटते हुए। फिर से एक बार रुदिक तैयार, 15 गेंदे, 41 रनों की दूरी है और यहाँ पर बड़ा विकेट, मुकाबला खुला कहीं ना कहीं अब होता हुआ, यहां से चेंज द गेम वडौली टीम के लिए और बल्लेबाज के पारी का बड़ा झटका। प्रवीण पाटिल बैक टू द पैवेलियन। तो यहां पर नयन पाटिल, नए बल्लेबाज आते हुए प्रवीण पाटिल, विनय गावन, अमन पाटिल, ये 3 बल्लेबाज आउट होकर लौटे हैं मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज आते हुए उनकी जगह लेने के लिए नयन पाटिल बंटी खाड़े कर उनका साथ देते हुए नाउ स्ट्राइक इन पर, आने वाली गेंदे होंगी टोटल 14 और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत, बहुत सारे रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए इस बार गेंद अच्छी थी, पैरों पर टकराती हुई जरूर अच्छी फील्डिंग विशाल के द्वारा, यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अब 13 गेंदे बची है, 41 रनों की यहां पर जरूरत है। क्या गेंदबाजी चल रही है, पहले पावर प्ले में सिर्फ रन आए थे 6 और उसके बाद बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर रन बने हैं इस ओवर में। हालांकि एक छक्का जरूर मिला लेकिन बेहतरीन कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए प्रवीण पाटिल और अमन का इंपॉर्टेंट विकेट इनके माध्यम से हमें देखने को मिला। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, हवा में है, मौका बनेगा और यहां चलिए आखिरी गेंद के ऊपर इस दूसरे ओवर की विकेट आखिरकार मिली। 3 विकेट अर्जित किए इस ओवर में, वो भी इंपॉर्टेंट, प्रवीण पाटिल, अमन पाटिल और नयन पाटिल पैवेलियन की तरफ। 2 ओवर हुए समाप्त, रन संख्या मात्र 16, आने वाली गेंदे होंगी 12 और 41 रनों की जरूरत। थँक यू या ठिकाणी आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल, ज्याने ज्याने सढळ हाताने या स्पर्धेला आम्हाला मदत केली ते भूलनाथ पाटील सरपंच वल्लभ ग्रामपंचायत, 4 ट्रॉफीज त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सरशिप झाले आहेत, त्याच्यानंतर द केक शॉपचे ओनर रितेश शेठ पाटील कोलिकोपर यांच्या वतीने 4 ट्रॉफ्याज, उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक मालिकावीर या ट्रॉफ्याज त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप झाल्या आहेत, त्याच्यानंतर रुपेश पाटील साहेब आदे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच यांच्या वतीने जी स्पोर्ट्स बायसिकल आपण पाहू शकाल अर्थातच मॅन ऑफ द सिरीज ती त्या आम्हाला रुपेश पाटील यांनी स्पॉन्सरशिप केलं आहे, त्यांचेही धन्यवाद देतो। त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल विकास सेठ आदई यांनी या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थानं आम्हाला न्यू चैतन्य शॉप
पांच दिवस पानी की व्यवस्था उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल धन्यवाद प्रवीण पालव साहेब उपसरपंच संतोष पाटील साहेब लोणिवली यांच्या वतीने आम्हाला बॉल इथे उपस्थित केलेत त्यांचेही धन्यवाद नरेश पाटील साहेब मोह रोहित पाटील आंबिवली यांच्या वतीने सन्मान चिन्ह सामनावीर ट्रॉफी आम्हाला दिले त्यांचेही मनापासून धन्यवाद आणि खऱ्या अर्थानं पाच दिवस महागुरु नेहमी सांगतात अन्नदाता सदा सुखी आता जर राजू केनी उर्फ चाचू यांच्या वतीनं पाच दिवस आम्हाला जेवणाची उपलब्ध करून दिली त्यांचेही धन्यवाद म्हणजे चिंता म्हणशील की यांना काहीच करायला लागलं नाही आणि खऱ्या अर्थानं जे आम्हाला या ठिकाणी ग्राउंड नव्हतं परंतु जे ग्राउंड खऱ्या अर्थानं चिंतामणीसाठी उपलब्ध करून दिलं ते आमचे देवांश इलेव्हन चिंचपाडा क्रिकेट संघाचे दमदार खेळाडू अर्जुन परदेसी आणि सरपंच साहेब शशिकांत भोईर साहेब यांच्या वतीने आम्हाला ग्राउंड खऱ्या अर्थानं उपलब्ध करून दिलं त्यांचंही मनापासून धन्यवाद ग्रामस्थ मंडळ चिंचपाडाचा खूप योग्य सहयोग राहिला या स्पर्धेमध्ये त्यांचंही मनापासून धन्यवाद आणि इथे फलंदाज मात्र बात होतोय तब्बल पाचवा आदरा वल्लभ संघाला देखिए पिछली आठवीं गेंद के ऊपर छक्का लगा था उसके बाद छह गेंदे हैं कोई भी रन नहीं टोटल चार विकेटें गवाई है इस वक्त बात करेंगे जय हनुमान इलेवन वल्लभ टीम के बल्लेबाजों ने गेंदबाज तैयार क्या जबरदस्त गेंदबाजी है तेज जरूर थी लेकिन ऑप्शन छोड़ती हुई अंपायर सैंडी पालकर का इशारा यहां पर व्हाइट बॉल है व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 17 रन छठी नंबर का इंतजार करा सातवें नंबर के गेंद का इंतजार करना पड़ा वो भी व्हाइट के तगार पर यहां पर रन आते हुए टीम का स्कोर मात्र वहां रुका हुआ अभी भी जीत की बात करेंगे 10 गेंदें बची है 40 रन अभी भी चाहिए प्रति गेंद के ऊपर चौका चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए जय हनुमान 11 वल्लभ टीम को गेंदबाज तैयार बैकफुट पर जाकर फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश माफ कीजिएगा डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के रीजन में गेंद जाती हुई थोड़ी सी खराब फील्डिंग लेकिन तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने एक रन दो रन मुकम्मल किए और इन दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर 9 गेंदें बची है 38 रनों की जरूरत 6 छक्के इस मैच का भवितव्य बता सकती है कि चैंपियन बनने का जो सपना है वो मात्र अधूरा अगर रह जाएगा तो पिछले साल का इतिहास यहां नहीं बना पाएगी 9 बॉल 38 रनों की दूरी गेंदबाज शुभम फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए टैप करने की कोशिश बैक टू दी बॉलर लेकिन अपने फॉलो थ्रू में रोकने में नाकामी भी जरूर मिली तब तक लॉन्ग ऑफ के रीजन में थोड़े से खिलाड़ी फंबल होते हुए बल्लेबाजों ने यहां पर दो रन चुरा लिए और दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21 रनों के ऊपर गेंदे बची है मात्र टोटल 8 और जीतने के लिए 36 रनों की दूरी एक ही इस गेंद के ऊपर अगर नंबर है 6 तो निश्चित तौर पर वो 6 छक्के ही बचा सकती है इस वक्त जानमान 11 वाला टीम को हवा में गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक बॉलर अपने फॉलो थ्रू में खुद जाते हुए कितनी मेहनत ले रही है चेंज द गेम वडल टीम आखिर के क्षणों में हार नहीं मानती और तकरीबन विकेट नंबर गिरता हुआ छठा इस वक्त वल्लभ टीम का दर्शक बिल्कुल अपना रास्ता छोड़ते हुए जानते हैं यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा यहां पर नजर आता हुआ आखिर की 7 गेंदें बची है 36 रनों की आवश्यकता जेडी जेडी उर्फ जगन्नाथ आप देख सकते हैं और 5 दिन जिन्होंने बॉल की सुविधा मैदान के अंदर खिलाड़ियों को जिन्होंने सेवा उपलब्ध की जयेश शेलके यश शेलके खास करके पालीगांव के जॉन्टी लॉर्ड्स इनके सुपुत्र है परशुराम बलिराम शेलके इनके सुपुत्र है और आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा शायद ये खिलाड़ी और निश्चित तौर पर भाभी बिल्कुल काफी अच्छी मेहनत देते हुए श्रृंखला के लिए चिंतामणि शेलके को कोई टेंशन नहीं रहा पानी का काम सबने किया बॉल बॉय की भूमिका सबने निभाई खाने का इंतजाम भी बेहद अच्छे से हुआ लेकिन वो मात्रा पूरी तरह से मैच को सफल था ये दोस्ती का प्यार है इनके और इनके दोस्ती के खाते सब ये पूरी तरह से मेहमानों का भी साथ दी जो उनके मित्र परिवार है आखिरी गेंद थी इस ओवर की यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति के साथ मात्र तीसरा ओवर हुआ समाप्त अब 6 गेंदे 36 रनों की दूरी 6 छक्के चाहिए
उमेश भोईर आणि त्यांचे बंधू हर्षित भोईर यांनी देखील खूप चांगली मेहनत घेतली या स्पर्धेमध्ये. त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. चिंतामणी शेळके मित्र परिवार तुमचंही स्वागत. मॅडी डीजे मंडप डेकोरेशन सगळ्यांनी खूप चांगली मेहनत घेतली. तो गेंद पास तयार, फुल टॉस गेंद, मात्र बचाने की कोशिश यहां पर करते हुए एक रन. साई प्रीत लायू की टीम भी पूरी तरीके से काफी अच्छी मेहनत ली थी पिछले तीन दिनों में और दो दिनों के लिए आप 24 इवेंट्स, इनकी मेहनत आप देख सकते हैं. एक रन मुकम्मल और एक रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल बात करेंगे तो टोटल 23 रनों के ऊपर. रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है. टोटल 3 और बहुत सारे रनों की जरूरत है. देखिए अतुल नाइक, प्रथमेश पाटिल, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. खास करके ग्रामस्थ मंडल चिंसपाड़ा, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. तो यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई 2 कदम से दूर है और इस किंजल ट्रॉफी में मात्र इस साल में, इस छठे साल में चैंपियन होने का सपना. राजेश शेटगरत बिल्कुल दमदार व्यक्तिमत्व है शेतकरी कामगार पक्ष के. 10,000 की डोनेशन जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को हमें दी गई है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज जेपी जयेश पाटिल, जिन्होंने रन बचाए थे गोरसे 11 टीम के खिलाफ और इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर नवाजा गया था. एक गेंद मात्र बची है, एक कदम दूर है किंजल ट्रॉफी में स्वर्गीय सुरेश बुआ शेल के स्मृति शिक्षक 2020 में चैंपियन बनेगी. चेंज द गेम वडौली बी टीम. त्याच्यानंतर रोशन पाटील चिंचपाडा आणि अब्दुल चिंचपाडा यांचेही मनापासून धन्यवाद देतो. आणि याच दरम्यान या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने सुवर्ण अक्षराने नाव कोरलाय, चॅम्पियन ठरलाय. चेंज द गेम वडवली. I do that.